Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm gonna tell you about the basic makeup products for teenagers which are essential and like affordable for teenagers. सो गाइज, मेकअप करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें और हाइड्रेट करें. तो मैं आपको यहाँ पे ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र जो है वो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, एज़ वेल एज़ इट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन भी. तो आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ करें, बिकॉज बेसिक मेकअप में हमें प्राइमर की नीड नहीं होती है. सो वी हैव टू यूज़ दिस फॉर अ ग्लो. जो मेकअप से पहले हमें ग्लो चाहिए होता है, सो यू कैन यूज़ दैट. सो गाइज, नेक्स्ट एंड द मेन स्टेप जो होता है मेकअप करने का, वो ये होता है कि हमें किसी भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे मैं ऑयली स्किन वालों के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये वाली जो फाउंडेशन है लॉरियल की, इनफेलिएबल की, ये मैं रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है और ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देगा और ये आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं और विंटर्स में भी. सेकेंडली गाइज, उसकी ऑल्टरनेट मैं आपको ये फाउंडेशन रिकमेंड करूँगी, मेबेलिन की फिट मी, विच यू कैन यूज़ एनी शेड जो आपकी स्किन टोन से मैच करे. और ये तो गाइज, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, ये बहुत अच्छी फिट मी फाउंडेशन है. सो ये आप ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है और टोटल कवरेज देगा आपको. ये बेस्ट है लाइक फॉर समर्स एंड फॉर विंटर. सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप जो है वो टोटली ऑप्शनल है. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डार्क स्पॉट्स और स्पॉट्स ऑन योर फेस, तो आप ये वाला मिस्ट रोज़ का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. ये वाला जो है ये बेस्ट है. सो आप मिस्ट रोज़ का ये, और ये बहुत अफोर्डेबल है, तो आप ये वाला परचेज ज़रूर करें इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्पॉट्स और मिस कलरेज और ऑन योर स्किन. सो ये ऑप्शनल भी है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये बेस्ट भी है. सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट फेवरेट स्टेप ऑफ द गर्ल्स, टू अप्लाई ब्लशन और टेंट. तो मैं आपको यहाँ पे ये बेनिफिट का जो टेंट है ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वन. और टेंट को आप एज अपने लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए लिपस्टिक. और मैं ये जो गेम ऑन का लिक्विड ब्लश है, मैं इसको यूजली लिप्स पर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज इट गिव्स वेरी गुड इफेक्ट, और ये बहुत पिगमेंटेड है, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. आप इसको अपनी फेवरेट कलर में बाय कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे न्यूट कलर में बाय किया हुआ है, और ये बेनेटिन को भी आप किसी भी कलर में बाय कर सकते हैं. सो गाइज, द नेक्स्ट स्टेप इज मस्कारा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईज, बिकॉज आई लाइनर तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, एंड आई इवन डोंट रिकमेंड टू अप्लाई आई लाइनर फॉर नेचुरल और बेसिक मेकअप, वरना आप अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइज, मस्कारा जो है हमारी आईज को काफ़ी लाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, और जब हमारी आई लैश जब ज़्यादा वॉल्यूमनेस हो जाती हैं, तो उससे हमारी आईज़ जो हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगने लगती हैं. सो मस्कारा इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बेसिक और नेचुरल मेकअप. ये बहुत अट्रैक्टिव सा लुक हमें जो है वो क्रिएट कर देता है हमारी. सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेकअप हमारे पास जो है प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास लिप ग्लॉस है और लिपस्टिक है. ये आप अपना फेवरेट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो मैं दिखा रही हूँ आप वही यूज़ करें, आप कोई सा भी जो यूज़ कर सकते हैं आपके पास है. सो यहाँ पे मेरे पास ये मिस्ट रोज़ का मेरा फेवरेट कलर है, न्यूट कलर है. ये 08 कलर है मिस्ट रोज़ का. तो अगर आप न्यूट लवर हैं या ब्राउन कलर जो आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप ये वाला बाय कर सकते हैं. और उसके ऊपर मैं ये लिप ग्लॉस लगाती हूँ, ये थोड़ा सा पिंकिश सा इफेक्ट देता है, तो इट गिव्स वेरी लाइक गुड टेक्स्चर. सो यस गाइस, यही हमारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, जो हमें बेसिक और नेचुरल सा लुक क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेंगे, और ये काफ़ी अच्छे हैं. अगर आप बाय करना चाहें तो आप यही कर सकते हैं, वरना आपको यही प्रोडक्ट्स आप किसी और ब्रांड से किसी और उसके भी चूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे इस तरीके के कॉन्टेंट्स मिलते रहें. और अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ और चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें. बाय बाय, टेक केयर.